गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनना। अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट हाफ चैप्टर में कि क्या मैग्नेट से करंट बन सकता है, क्या मैग्नेट से करंट बन सकता है। करंट से तो मैग्नेट बन गए, किसी वायर में हमने करंट फ्लो करवाया उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया और ये ओस्टर के एक्सपेरिमेंट में बताया गया था। अब क्या है, अब हमारा चैप्टर ये कहता है कि क्या हम मैग्नेट से करंट बना सकते हैं। यस बेटे, वी कैन मेक करंट और उस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। जो इस तरह से करंट प्रोड्यूस होगा दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। तो अब जो हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फिनोमिना ऑफ इंड्यूस्ड करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एन कोइल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू ए कोइल या थ्रू एनी एरिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेफिनेशन रहेगी कि करंट प्रोड्यूस्ड होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एन एरिया। एक एरिया से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करवाते हैं। जैसे ध्यान से समझना भाई, ये यहां पर हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास एक एरिया है। इस एरिया के अंदर से ध्यान से, इस एरिया के अंदर से ये तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई और तीनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो गए। अगर यहाँ पर चार आती तो चार पास, पांच होती तो पांच पास हो जाती। अब इसी एरिया को मैंने चेंज कर दिया इस तरह से और ये फील्ड लाइन ऐसे आ रही थी। अब देखो कोई लाइन इस एरिया से पास हो रही है, अब पास नहीं हो रही। दूसरा, इसके अंदर जितना ज्यादा एरिया हम लेंगे, जितना ज्यादा एरिया लेंगे उतनी ही ज्यादा फील्ड लाइन पास होंगी, जितना कम एरिया लेंगे उतनी ही फील्ड लाइन कम पास होंगी। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एन एरिया, इसको हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, पासिंग थ्रू एन एरिया। एक एरिया के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटे इन दोनों डेफिनेशंस को नोट करो एक बार, अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया था, टॉपिक स्टार्ट किया कि मैग्नेट से करंट बनाएंगे। ठीक है, मैग्नेट से करंट बनाएंगे, तो ये फैराडे साइंटिस्ट थे, फैराडे के एक्सपेरिमेंट थे। हम तीन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फैराडे के तीन एक्सपेरिमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे बेटे। फैराडे का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो देखो, उन्होंने एक कॉयल ली, इस कॉयल के साथ क्या कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। इस कॉयल के साथ क्या कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। यहां पर एक मैग्नेट ली नॉर्थ साउथ,
यहाँ पर एक नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट ली। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, ये आपको भी पता है। नॉर्थ से बाहर आती है, साउथ में इन्वर्ट जाती है। तो फैराडे ने नोटिस किया कि जब या तो मैग्नेट को कोयल के नजदीक लेकर आ रहे थे, ध्यान से, मैग्नेट को कोयल के नजदीक लेकर आए, या फिर कोयल को मैग्नेट के नजदीक लेकर गए, या कोयल को मैग्नेट से दूर, या मैग्नेट को कोयल से दूर। मींस या तो ये कोयल इसके नजदीक आई या ये कोयल दूर गई, या फिर ये सॉरी या तो ये मैग्नेट नजदीक आए या ये मैग्नेट दूर गए। दूसरा, या ये कोयल मैग्नेट के नजदीक गई या ये कोयल मैग्नेट से दूर गई। मींस इनके बीच में रिलेटिव पोजीशन चेंज हुई। मींस क्या है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूअसली चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? डिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज हुआ। ये जो फिनोमिना है ना, इनमें से एक रेस्ट में, एक मोशन में, ये रेस्ट में है तो ये मोशन में, ये रेस्ट में है तो ये मोशन में, या फिर अगर दोनों मोशन में हैं तो इनके बीच में जो इनकी वेलोसिटी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। और जो डिफरेंट वेलोसिटी से दो ऑब्जेक्ट चलते हैं उसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट 5 की स्पीड से जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट 7 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। ये चाहे सेम डायरेक्शन में जाए चाहे डिफरेंट डायरेक्शन में जाए, दोनों का मोशन होना जरूरी है, ठीक। तो देयर शुड बी रिलेटिव मोशन, देयर शुड बी रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मीनिंग क्या है बेटे? इनकी स्पीड जो है, ये एक रेस्ट में है तो स्पीड कितनी? जीरो। दूसरे की स्पीड कुछ ना कुछ, मान लो 2 की स्पीड से जा रहा था, स्पीड चेंज हुई। ये 3 की स्पीड से जा रहा है, ये 5 की स्पीड से जा रहा है, सेम स्पीड नहीं होनी चाहिए इनकी। देयर शुड बी रिलेटिव मोशन। क्या होना चाहिए बेटे? रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब यहां पर ये कोयल सॉरी ये मैग्नेट इस कोयल के जब नजदीक आई तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। ये मैग्नेट कोयल के नजदीक आई तो गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन हुआ इसका मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट द करंट, कि करंट है या नहीं। तो बेटे कोयल जब नजदीक आई तो गैल्वेनोमीटर में करंट बढ़ गया। इसी तरह से जब मैग्नेट को दूर लेकर गए, पहले तो मैग्नेट को नजदीक लेकर आए, करंट बढ़ा। जब मैग्नेट को दूर लेकर गए तो फिर से गैल्वेनोमीटर में करंट बना, फिर से गैल्वेनोमीटर में करंट बना, बट वो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में बना। उस करंट की डायरेक्शन को हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल इतना ही जानना है कि जब मैग्नेट कोयल के नजदीक आया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुई। वो डिफ्लेक्शन हुई सपोज राइट हैंड साइड में। जब मैग्नेट कोयल से दूर जा रही है फिर डिफ्लेक्शन होगी, बट अब डिफ्लेक्शन किधर होगी? लेफ्ट हैंड साइड में। पहले राइट में थी तो अब लेफ्ट में होगी। इसी तरह से सपोज मैग्नेट फिक्स है तो कोयल को हम नजदीक लेकर गए। एक मिनट बेटे, हाँ बेटे, इसमें से एक मोशन में होना चाहिए। अगर दोनों मोशन में है तो दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। हम डिस्कस कर रहे थे जब मैग्नेट इधर आए तो सपोज डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में हुआ। जब मैग्नेट दूर गई तो डिफ्लेक्शन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। और पहले डिफ्लेक्शन राइट में था, नजदीक आ रही थी, राइट में डिफ्लेक्शन था, तो दूर जाएगी तो डिफ्लेक्शन किधर होगा? लेफ्ट में होगा। सेम इसी तरह से जब कोयल इसके नजदीक जाएगी, सपोज दूसरा केस क्या बनता है, मैग्नेट रेस्ट में है तो कोयल को हम मूव करवा दें। कोयल को मूव करवाया या कोयल को दूर लेकर गए, फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुई। थर्ड केस क्या बनता है बेटे? थर्ड केस ये बनता है कि कोयल और मैग्नेट, ये मैग्नेट और ये कोयल, ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो।
रिलेटिव मोशन का मीनिंग ये है कि ये दो की स्पीड से है तो ये तीन की स्पीड से, ये चार है तो ये दो हो, कुछ भी हो, मतलब ये स्पीड सेम ना हो, उसको रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो फैराडे ने बताया कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा इंड्यूस्ड करंट होगा। पहला एक्सप्लेनेशन एग्जाम में आई हुई है और बेटे ये 5 मार्क्स के अंदर। ये फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बताओ, फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट बताओ, फैराडे का थर्ड एक्सपेरिमेंट बताओ। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको वर्डिंग में यही लिखना है, अपनी वर्डिंग बना के आप बुक में से देख सकते हो, जो मैंने बोला है वो आपको वर्डिंग में बना के लिखना है कि ये कॉयल ली, ये कॉयल, इस कॉयल के साथ हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, फिर मैग्नेट ली। व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉयल, जब भी मैग्नेट और कॉयल के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ, रिलेटिव मोशन का मीनिंग है कि ये रेस्ट में हो इस ये मोशन में हो, ये रेस्ट में हो ये मोशन में हो, या दोनों मोशन में है तो इनकी स्पीड डिफरेंट हो, इसको हम रिलेटिव मोशन कहेंगे। तो EMF इंड्यूस्ड होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, तो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हुआ। अब ये करंट प्रोड्यूस क्यों हुआ, ये करंट प्रोड्यूस क्यों हुआ बेटे? तो ये करंट प्रोड्यूस इसलिए हुआ, देखो ध्यान से, ये हमारी मैग्नेट थी नॉर्थ साउथ मैग्नेट, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, 5 का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, ये 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी, ठीक है। अब ये कॉयल थोड़ी ही दूर है, तो यहां से इस कॉयल से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई, कितनी पास हुई बेटे, एक। जब ये मैग्नेट नजदीक आए या ये कॉयल इसके नजदीक जाए तो इस कॉयल के अंदर से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, और जब ये बिल्कुल इसके नजदीक जाए तो 5 की 5 लाइन पास होंगी या नहीं होंगी, क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या चेंज हुआ, एक एरिया के अंदर से, ये एरिया था ना कॉयल का, ये कॉयल है, इस कॉयल का ये एरिया, इस एरिया से एक बार तो पहले तो एक लाइन पास हुई, फिर 2 लाइन पास हुई, फिर 5 लाइन पास हुई, ठीक है। इस तरह से अलग अलग लाइन पास हुई, देखो मैं बताता हूँ कैसे हम डिस्कस कर रहे हैं बेटे। ये दो टॉपिक देखो, ये दो, जब ये कॉयल दूर थी, ये कॉयल दूर थी, इसके अंदर से 5 लाइन पास हुई। जब ये कॉयल नजदीक आ गई, नजदीक आई तो बेटे इसके अंदर से 7 लाइन पास हो रही है। पहले डिस्टेंस ज्यादा था, दूर थी, अब मैग्नेट नजदीक आई तो इस एरिया के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई। इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने से करंट बनता है, इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंज होने से क्या बनेगा, करंट बनता है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी करंट बनेगा, जैसे ही हम दोनों को रेस्ट में ले आएंगे करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। जो बार बार मैं करंट प्रोड्यूस कह रहा हूं, ये जो करंट बना है ऐसे, उस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं बेटे, दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फिर से ये देखो बेटे, यहां पर ये कॉयल जो है, ये कॉयल, ये मैग्नेट इस कॉयल के नजदीक आई, जब ये कॉयल, सॉरी, ये मैग्नेट इस कॉयल के नजदीक आई तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पहले 5 थी अब 7 हो गई, तो इनकी चेंज हो गई, वैल्यू चेंज हो गई। तो किसी एरिया से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो जाएं, एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तो उसको फ्लक्स कहते हैं, और जब भी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो करंट प्रोड्यूस होगा या करंट इंड्यूस्ड होगा। क्लियर है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट? सेम सेकंड एक्सपेरिमेंट इसी तरह से है बेटे। सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर फैराडे ने क्या किया, फर्स्ट में मैग्नेट और कॉयल ली, सेकंड में फिर से क्या हुआ, अब की बार फैराडे ने कॉयल ली और इस कॉयल के अंदर बैटरी लगा दी, ठीक है। अब ये बैटरी है, बैटरी से है तो यहां पर
बैटरी से करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है तो इस कॉइल में करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो करंट कैरिंग कॉइल के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस करंट कैरिंग कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर से रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में। अगर फर्स्ट रेस्ट में है तो सेकंड कॉइल किस में होनी चाहिए, मोशन में होनी चाहिए। अगर फर्स्ट मोशन में है तो सेकंड कॉइल किस में होनी चाहिए, रेस्ट में होनी चाहिए। इफ बोथ आर इन मोशन, अगर दोनों मोशन में हैं, अगर दोनों कॉइल मोशन में हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड चेंज होनी चाहिए, रिलेटिव स्पीड, या देयर विल शुड बी रिलेटिव मोशन, देयर शुड बी रिलेटिव मोशन, इनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। वही बात बेटे, अगर ये दो की स्पीड से जा रही है तो ये चार या पांच या एक, दो नहीं होनी चाहिए, बस दो नहीं होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तभी इंड्यूस्ड करंट होगा। क्लियर हो गया? ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, एक कॉइल ली, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, हमने दूसरी कॉइल ली, उसको बैटरी से कनेक्ट किया। जब भी हम कॉइल को नजदीक लेकर जाएंगे या दूर लेकर जाएंगे, या फर्स्ट कॉइल को नजदीक लेकर जाएंगे, दूर लेकर जाएंगे, या इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या करंट प्रोड्यूस होगा। ये हमारा फैराडे का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। फिर से इसमें वही फिनोमिना रहेगा बेटे, जब ये अब मैग्नेट की बजाय, ठीक है, ये देखो ये वाला, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, ये कॉयल, इसके अंदर से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जब ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर इस कॉयल में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो इसमें क्या बनेगा, करंट बनेगा। क्लियर हो गया, आ गया समझ में? ओके, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। अब दो एक्सपेरिमेंट में मोशन की जरूरत थी, दोनों एक्सपेरिमेंट में मोशन की जरूरत थी। जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट रहेगा, हो सकता है उसमें मोशन की, या हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए फैराडे थर्ड एक्सपेरिमेंट, या ये भी पूछा जा सकता है कि वो एक्सपेरिमेंट बताओ जिसमें हमें मोशन ना करवाना पड़े, ठीक है। तो वो थर्ड एक्सपेरिमेंट है, इसको भी ध्यान से, 5 मिनट का टॉपिक है बेटे, ध्यान से समझना। मोशन की जरूरत नहीं होगी हमें, हम यहाँ पर एक टैपिंग की लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई, टैपिंग की। हमने क्या किया, एक कॉयल ली, कॉयल के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, दूसरी कॉयल ली, दूसरी कॉयल के साथ बैटरी कनेक्ट की, और एक टैपिंग की कनेक्ट कर दी। अब मोशन की जरूरत नहीं है। सपोज यहाँ पर कितना करंट जा रहा है, 20 एम्पियर करंट जा रहा है। जैसे ही की को क्लोज करते हैं, 20 एम्पियर का करंट इसमें बनता है, तो जैसे ही की को क्लोज करेंगे बेटे, यहाँ पर पहले करंट 0 था, ये नहीं है कि सीधा 20 हो जाएगा, 0 से 1, 1 से 2, 3, 4, इस तरह से कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, ये 20 तक जाएगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता, कहाँ तक जाएगा, ये 20 तक जाएगा, पक्का है, क्लियर। जब ये 20 तक जाएगा तो यहाँ पर करंट चेंज होगा, यहाँ पर क्या होगा, करंट चेंज होगा इस कॉइल में। पहले 0 था, की को क्लोज करेंगे, जैसे ही की को क्लोज करेंगे करंट होगा 1, 2, 3, 4, इस तरह से यहाँ पर इस वायर में करंट चेंज होगा। अब वायर में करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, की को क्लोज करेंगे मैग्नेटिक करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी। अब ये जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, तो यहां पर करंट बढ़ेगा। जब ये 20 हो जाएगा, अब ये चेंज नहीं होगा, अब इसमें करंट चेंज नहीं होगा, अब इसमें करंट चेंज नहीं होगा, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बननी थी वो बन चुकी। सपोज यहां पर 5 लाइन बननी थी, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 लाइन यहां पर सपोज पहले 3 आ रही थी, अब ये 3 ही है, करंट मैक्सिमम 5 थी, पहले 1 थी, फिर 2, फिर 3,
इस तरह से कंटिन्यूसली फील्ड लाइन बढ़ती जा रही थी, ये बढ़ती जा रही थी, यहाँ पर भी बढ़ती जा रही थी। अब ये 20 होने के बाद फील्ड लाइन जो है वो फिक्स हो गई, 5 बनेंगी भाई। अब इसमें भी ये था कि 3-5 होंगी भाई, अगर इसको नजदीक लेकर आएंगे तो 4 हो जाएंगी, दूर लेकर जाएंगे तो 2-1, इस तरह से चेंज हो जाएंगे। बट मोशन की जरूरत नहीं है, रेस्ट में है दोनों कॉयल, तो यहाँ पर 3 बन चुकी है। अब 3 चेंज ही नहीं हो रहे, अब भी 3 है, कुछ टाइम बाद भी 3 है, कुछ टाइम बाद भी 3 है। करंट इंड्यूस होने की कंडीशन क्या थी कि ये चेंज होती रहनी चाहिए, अब ये चेंज नहीं हुई, तो चेंज नहीं हुई तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कितनी होगी, 0 डिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया, डिफ्लेक्शन कितनी हो गई, 0। अब फिर से जब तक करंट इंक्रीज होगा, आपको इसमें ये एग्जांपल के लिए बताया 20 एम्पीयर करंट बेटे, ये लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी, करंट विल इंड्यूस्ड टिल द करंट इन द सेकेंड कॉयल बिकम्स मैक्सिमम। यहां पर करंट कब बनेगा, तब तक बनेगा जब तक इस कॉइल में मैक्सिमम करंट नहीं हो जाता। ये कब है, टैपिंग की को क्लोज करते हैं, टैपिंग की को क्या किया गया है बेटे, क्लोज किया गया है, अगर क्लोज करते हैं तब है ये कंडीशन। क्लियर, फिर बेटे ये एक तरह से स्विच ऑन ऑफ का काम है, ठीक है। अब हमने टैपिंग की को ओपन किया, ओपन किया तो फिर करंट, अब की बार क्या होगा, 20, 19, 18, 17, 0, इस तरह से कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, तो यहाँ फील्ड लाइंस भी डिक्रीज होंगी, चेंज होंगी, अब चेंज होंगी तो करंट विल इंड्यूस टिल करंट इन द सेकंड कॉइल बिकम्स 0। कब तक बनेगा, जब तक करंट कितना नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता। क्लियर है बेटे, तो ये फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट थे बेटे, इनको अपनी वर्डिंग्स में, आपके पास बुक है उस बुक में से पढ़ो, और अगर आपको समझ में ना आए तो बेटे इसको जरूर बताना, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फैराडे के 2 लॉ और हैं, उन लॉज को और कर देते हैं, फैराडे के 2 लॉ हैं उनको और करते हैं भाई। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट है फैराडे का, जो फर्स्ट लॉ है फैराडे का, फर्स्ट लॉ है भाई, वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू ए सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एन एरिया, कि एक एरिया के अंदर से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, इंड्यूस्ड करंट विल बी देयर, इंड्यूस्ड करंट विल बी देयर। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से चेंज होंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी एरिया से चेंज होंगी तो इंड्यूस करंट वहां पर रहेगा। सेकंड, ये इंड्यूस करंट कितना बनेगा, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताया है, ये इंड्यूस करंट कितना रहेगा, तो ये इंड्यूस करंट कितना रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, जितना फास्ट हम मैग्नेट को या कॉइल को मूव करवाएंगे, जितना फास्ट मूव करवाएंगे, जितना जल्दी फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, जितना जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतना ही इसके अंदर क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट है उसका मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रेट ऑफ चेंज ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. मींस मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एन एरिया. नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया. पासिंग थ्रू एन एरिया कि एक एरिया के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. तो इंड्यूस करंट, जो करंट बनेगा उसका मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. कितना जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. क्लियर है? ये दोनों लॉ है. और बेटे इसके अंदर ये जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट की, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो करंट बनेगा उसकी डायरेक्शन किससे दी जाएगी? बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से दी जाएगी. इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किससे दी जाएगी बेटे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से. सेम लेफ्ट हैंड रूल की तरह राइट हैंड रूल, थंब, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर को स्ट्रेच किया गया सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसको नोट करो बेटे. चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है? इफ स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, अब सॉरी आवर राइट हैंड राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर को स्ट्रेच किया गया. कैसे किया गया? सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं. ये तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं. सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? वही है बेटे. थंब, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर. फैमिली में किसकी चलती है? पहले फादर, फिर मदर, फिर चाइल्ड. तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? फादर में फोर्स, ठीक है, मदर मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड करंट. ठीक है, थंब रिप्रेजेंट्स, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी? फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को. एंड सेंटर फिंगर, सेंटर फिंगर represents the direction of, represents the direction of induced current. कि वो करंट किधर बनेगा ये कौन बताएगा आपकी? सेंट्रल फिंगर बताएगी. ये थंब जो कि फोर्स, ये फोर फिंगर जो कि मैग्नेटिक फील्ड और सेंट्रल फिंगर इंड्यूस्ड करंट. बेटे आपको फोर्स की डायरेक्शन बताई जाएगी, ठीक है, फोर्स किधर है. आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई जाएगी. आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी है अपने हाथ को ऐसे एडजस्ट करके. क्लियर है? जैसे आपको दे दिया जाए, नोट कर लिया था बेटे, नोट कर लिया था. ये इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है. आपको दे दिया फोर्स नॉर्थ
और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी टुवर्ड्स वेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी किधर बेटे? टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी है। तो फोर्स ऊपर किधर है? नॉर्थ, ये ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वेस्ट की तरफ। तो फोर्स किधर है, सॉरी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किधर रहेगी बेटे? आउटवर्ड, बाहर आ रही है या नहीं आ रही? क्लियर? इस तरह से आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटे? तो बेटे इनको रिवाइज करो। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कल हमने पढ़ा था, मीन्स कल मीन्स फ्राइडे को जो हमने टॉपिक पढ़ा था, कौन सा टॉपिक था हमारा? इलेक्ट्रिक मोटर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ साथ बेटे ये टॉपिक भी हमारा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इनको अच्छे से रिवाइज करना बेटे। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो ज़रूर बताना, ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।